हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की हिंदी का पाठ नंबर 9, जो एक कहानी है जिसका नाम है दो हाथ, जिसको लिखा है डॉक्टर इंदु बाली ने। सबसे पहले हम इस कहानी का सार करेंगे, उसके बाद हम इस पाठ का अभ्यास भी करेंगे। तो बच्चों, इस कहानी में डॉक्टर इंदु बाली जी ने हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है। सबसे पहले हम इस कहानी का सार पढ़ते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर इंदु बाली जी इस कहानी के जरिए हमें क्या समझाना चाहती है। डॉक्टर इंदु बाली द्वारा रचित दो हाथ नामक कहानी की मुख्य पात्र नीरू की माता के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। इस प्रकार घर का सारा काम निपटाकर वह पढ़ाई में जुट जाया करती थी। नीरू तब उदास हो जाया करती थी जब वह देखती थी कि उसकी सहेलियां बिना किसी प्रकार की चिंता के उछलती कूदती नाचती गाती तथा चहकती फिरती थी। उन्हें देखकर उसे भी अपनी माता की याद आ जाती जो उससे बहुत प्यार करती थी। नीरू सोचती थी कि यदि वह जीवित होती तो उसे भी खेलने कूदने का अवसर मिल जाता। घर का सारा कामकाज स्वयं अपने हाथों से करने के कारण उसके हाथों का रूप बिगड़ गया। कॉलेज में उसकी सहेलियां भी उसकी उंगलियों को देखकर उसका उपहास करती, उपहास मीन्स मजाक बनाती थी। एक दिन जब नीरू का पिता दफ्तर से घर आया तो उसने अपनी बेटी को उदास पाया। उदासी का कारण जानकर उसके पिता ने उसे समझाया कि हाथों की सुंदरता काम करने में ही होती है। इस प्रकार पिताजी के द्वारा दी गई शिक्षा ने नीरू को बड़ा प्रभावित किया। नीरू को अपनी पढ़ाई में बड़ी रुचि रहती थी। उसकी जीवनचर्या में दो ही क्षेत्र थे, एक घर का काम और दूसरा पढ़ाई करना। दोनों ही क्षेत्रों में उसने बड़ी सफलता के साथ अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। उसने पढ़ाई के साथ साथ संगीत, चित्रकला और खेलों में भी ढेर सारे इनाम अर्जित कर रखे थे। जब नीरू के कॉलेज में वार्षिक उत्सव का दिन आया तो वह भी बड़ी उत्साहित थी, क्योंकि उस दिन कॉलेज में इनाम भी बांटे जाने थे। नीरू की कई सहेलियां कई दिनों से अपने हाथों को सजाने में लगी हुई थी, लेकिन नीरू के पास उसके लिए कोई समय नहीं था। उस दिन बिना हाथ धोए ही अपने कॉलेज चले गई, क्योंकि सुबह का समय नीरू के लिए बड़ी व्यवस्था का समय होता था। अपने हाथ धोने की भी फुर्सत नहीं मिली, इसलिए वह झटपट तेजी से कॉलेज पहुंच गई। जब उसने अपने हाथों को देखा तो बहुत लज्जित हुई। उसने अपने हाथ छुपा लिए तथा फिर उन्हीं हाथों से, जिन्हें वह साफ करना भूल गई थी, इनाम भी लिया। उस समय आश्चर्य की यही बात हुई कि नीरू को सबके सबसे सुंदर हाथों का भी इनाम प्राप्त किया। सभापति ने उसके हाथों को देखकर जे बली बांध बांप लिया कि जे लड़की कितनी परिश्रमी है। परिश्रमी मीन्स मेहनती। इसलिए उसने सबसे सुंदर हाथों को इनाम देने की भी घोषणा की। सुंदर हाथों का चुनाव करने का कार्य जजों पर छोड़ दिया गया। जजों ने भी उन कर्मशील हाथों को सबसे सुंदर घोषित किया, और ये हाथ थे नीरू के। उन्होंने भी छात्रों को बताया कि हाथों का सौंदर्य कर्म करने में है, ना कि उन्हें सजाकर रखने में। सभापति महोदय ने भी नीरू के हाथों की भरपूर प्रशंसा की। नीरू जब इनाम लेकर घर लौट रही थी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। आज उसे अपने दोनों हाथ सुंदर लग रहे थे। उसे समझ आ गया था कि हाथों की सुंदरता काम करने में ही है। तो ये था कहानी का सार, जिससे हमें क्या सीखा कि हाथों की सुंदरता किस में है? काम करने में। अब है क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन है, नीरू की दिनचर्या क्या थी? दिनचर्या मीन्स वो दिन में क्या करती थी? उत्तर में लिखेंगे,
नीरू की माँ की मृत्यु हो जाने के कारण घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता था। उसे भाई बहनों को संभालने, घर की साफ सफाई, झाड़ पोंछ, खाना बनाना, बर्तन धोना आदि करने के साथ साथ पढ़ाई का भी काम करना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरू को किसका अभाव खलता था? अभाव मीन्स कमी। उत्तर आएगा, नीरू को अपनी माँ का अभाव खलता रहता था जो अब जीवित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरू अपनी हम उम्र सहेलियों को खेलते देखकर क्या सोचा करती थी? उत्तर में आएगा, नीरू जब भी अपनी हम उम्र सहेलियों को खेलते देखती तो वह सोचती थी कि अगर उसकी भी माँ होती तो वह भी इसी तरह बेफिक्री सी चहकती गाती झूमती नाचती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता का दुलार पाकर नीरू क्या भूल जाती थी? इसका उत्तर आएगा, पिता का दुलार पाकर नीरू अपने सारे अभाव भूल जाती थी। पिताजी जब उसके सिर पर हाथ फेरते थे तो वह अपने सारे गम भूल जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरू ने पढ़ाई के साथ साथ अन्य कौन से इनाम जीते थे? उत्तर में आएगा, नीरू ने पढ़ाई के साथ साथ संगीत, चित्रकला तथा खेलों में भी ढेरों इनाम जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज की लड़कियां हफ्ते से किसकी सजावट में जुटी हुई थी? तो किसकी सजावट में जुटी थी? उत्तर आएगा, कॉलेज की लड़कियां हफ्तों से अपने नाखूनों को सजाने में जुटी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभापति ने कौन सा निर्णय सुनाया? उत्तर आएगा, कॉलेज के वार्षिक उत्सव में सभापति ने ये निर्णय सबको सुनाया कि नीरू के हाथ कॉलेज की सभी लड़कियों से सुंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर लौटते समय नीरू खुश क्यों थी? इसका उत्तर आएगा, इनाम लेकर घर लौटते समय नीरू इसलिए खुश थी क्योंकि उसे अपने हाथ कर्मशीलता के कारण सुंदर लग रहे थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन, नीरू घर के कौन कौन से काम किया करती थी? तो उत्तर में आएगा, नीरू घर के सभी बर्तन साफ किया करती थी, घर की रसोई को भी धोया करती थी, फिर खाना बनाने के लिए साग सब्जी काटने में मगन हो जाती थी। इस प्रकार घर का काम तथा कॉलेज की पढ़ाई बस यही उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरू की माँ उसे काम करने से क्यों रोकती थी? उत्तर आएगा, नीरू की माँ जब जीवित थी तब वह ये नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी के हाथ भी उसके हाथों की तरह खुरदरे हो जाएं। वह चाहती थी कि नीरू की कोमल उंगलियाँ वैसे ही सुंदर बनी रहें, इसीलिए वह नीरू को घर के काम करने से रोकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरू की सहेलियाँ उसका मजाक क्यों उड़ाती थी? उत्तर में आएगा, नीरू की सहेलियाँ ये कहकर उसका मजाक उड़ाती थी कि नीरू की कभी शादी नहीं होगी, उसे कोई पसंद नहीं करेगा क्योंकि उसके हाथ घर का काम करने के कारण खुरदरे तथा फटी कटी चमड़ी वाले हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरू को उसके पिता ने हाथों का क्या महत्व समझाया? उत्तर में आएगा, नीरू के पिता ने उसे यही बात समझाई कि काम करने वाले की सुंदरता तो उसके हाथों से देखी जाती है, वास्तव में काम करने वाले ये दोनों हाथ तो मानव जीवन की सुंदरता है। जितना भी कोई हाथ अधिक से अधिक काम करता है वह उतना ही सुंदर बनता जाता है। नेक्स्ट है, इनाम लेते समय नीरू को शर्म क्यों आ रही थी? उत्तर आएगा, इनाम लेते समय नीरू को इसलिए शर्म महसूस हो रही थी क्योंकि उसके मन में ये बात बैठ गई कि उसके हाथ सुंदर नहीं हैं। जब वह इनाम लेने के लिए कॉलेज पहुंची तो ये देखकर चौंक गई कि वह अपने हाथों को साफ करके नहीं आई थी और स्टेज पर इनाम लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाते समय उसे शर्म आ रही थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मशीलता ही हाथों की शोभा होती है, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो क्या भाव है इस पंक्ति का, देखें। उत्तर है, जे शब्द सभापति ने स्कूल में उत्सव में कहे, उसके कहने का भाव ये था कि भगवान ने दो हाथ काम करने के लिए दिए हैं, उनकी सुंदरता तो कर्तव्य पालन में ही है और हाथों का कर्तव्य है काम करना, केवल काम करना। कर्मशील होने में ही हाथों की सुंदरता छिपी हुई है, वह कोमल और लंबी लंबी उंगलियों में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनाम लेकर लौटते समय नीरू को अपने हाथ सुंदर क्यों लग रहे थे? इसका उत्तर आएगा, इनाम लेकर लौटते समय नीरू को अपने हाथ इसलिए सुंदर लग रहे थे कि सभापति ने नीरू को ही सुंदर हाथों का इनाम देने की घोषणा की थी। इस निर्णय से नीरू को समझ में आ गया कि सच्चा सौंदर्य कर्म करने में है। आज उसे वही हाथ सुंदर लग रहे थे जो पहले कभी उसे बहुत कुरूप लगते थे। वास्तव में नीरू को अब समझ में आ गया था कि सौंदर्य का केंद्र बिंदु कहाँ है। तो कहाँ है सौंदर्य का केंद्र बिंदु? अपने हाथों से काम करने में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर छः सात पंक्तियों में दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, नीरू का चरित्र चित्रण कीजिए। तो अभी हम क्या जानते हैं नीरू के बारे में, वो लिखते हैं। उत्तर, दो हाथ कहानी की मुख्य पात्र नीरू अपनी माँ के देहांत के बाद पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम भी करती है। बचपन में ही घर का सारा भार उसके कंधों पर आ पड़ता है। वह कभी कभी सोचती है कि माँ होती तो वह भी दूसरी लड़कियों की तरह बेफिक्री सी चहकती गाती झूमती नाचती। शारीरिक सौंदर्य के प्रति वह अन्य लड़कियों की तरह सचेत भी है। तभी तो माता जब उसकी उंगलियों की सुंदरता की प्रशंसा करती है तो वह फूली नहीं समाती। परंतु बाद में काम करने की वजह से जब उसके हाथ खराब हो जाते हैं और कॉलेज की लड़कियां उसके हाथों की कुरूपता के लिए उसका उपहास करती हैं तो वह बहुत दुखी होती है। नीरू बड़ी समझदार लड़की है। पिता के समझाने पर वह शीघ्र ही समझ जाती है कि हाथों की सुंदरता काम करने में ही है। इसलिए नीरू काम से कभी नहीं घबराती। नीरू ना केवल पढ़ाई में ही सबसे आगे रहती है बल्कि पढ़ाई के साथ साथ संगीत, चित्रकला और खेलों में भी ढेरों नाम जीतती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नीरू ने कौन सा अनोखा सपना देखा था? उत्तर है इसका, एक दिन नीरू ने एक ऐसा अनोखा सपना देखा कि उसके चारों ओर से दो दो सुंदर हाथ आकाश में उड़ने लगे हैं। जे हाथ चारों ओर फैले हुए थे फिर भी आकाश में अंधेरा छा गया था। इन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसी समय उस अंधेरे में से दो हाथ उभरे, जे कटे फटे टेढ़े नाखनुए वाले आटा लगे कहीं से जले काले पीले बद्दे दो हाथ थे। इन हाथों के आकाश में उदित होते ही चारों ओर प्रकाश फैल गया तथा उस प्रकाश में आकाश में फैले हुए सुंदर हाथ उसी प्रकार लुप्त हो गए जिस प्रकार सूर्य के निकलने पर सभी तारे लुप्त हो जाते हैं। लुप्त हो जाना मीन्स गायब हो जाना। नेक्स्ट है, सभापति ने हाथों का वास्तविक सौंदर्य क्या बताया? उत्तर लिखेंगे, कॉलेज के वार्षिक उत्सव में नीरू के हाथों को देखकर सभापति ने यही बात कही कि कर्मशीलता अथवा निर्माण शक्ति ही हाथों का वास्तविक सौंदर्य होता है। निर्माण शक्ति, जो अपने हाथों से काम करके कुछ चीज़ बनाते हैं ना, उसको निर्माण शक्ति कहते हैं, ठीक है। उनके अनुसार कर्मशील हाथ व्यक्ति का भीतरी सौंदर्य और श्रृंगार है।
उनका ये भी विश्वास है कि हाथों में निर्माण करने की शक्ति है और उनका सौंदर्य काम करने की क्षमता है। इसलिए वास्तव में वही हाथ सुंदर होते हैं जो सदा दूसरों की सेवा के लिए कर्म में लगे रहते हैं। सभापति के कथन का यही तात्पर्य है कि जो हाथ सदा दूसरों की सेवा करने में लगे रहते हैं, उसी कर्मशील व्यक्ति के हाथ सौंदर्य तथा श्रृंगार के प्रतीक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो हाथ कहानी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर आएगा, दो हाथ कहानी की लेखिका डॉक्टर इंदु बाली ने इस कहानी के माध्यम से सौंदर्य के वास्तविक स्वरूप पर प्रकाश डालने की चेष्टा की है। उनका इस कहानी के लिखने का मुख्य उद्देश्य यही है कि सौंदर्य का वास्तविक रूप कर्म करने में होता है। ईश्वर ने हमें जो दो हाथ दिए हैं मात्र सजाने के लिए नहीं, अपितु सुंदर कर्म करने के लिए दिए हैं। फिर भले ही वे खराब हो जाएं, खुरदरे हो जाएं, इससे अंतर नहीं पड़ता। इस कहानी के माध्यम से लेखिका सौंदर्य के वास्तविक स्वरूप को स्थापित करना चाहती है। उसके अनुसार सौंदर्य का वास्तविक रूप शरीर का सौंदर्य नहीं होता, अपितु ये तो मानव गुणों में होता है। उसने ये भी बताने की चेष्टा की है कि हाथों का सौंदर्य भी पतली लंबी और सुंदर उंगलियों में नहीं, वास्तव में हाथों का सौंदर्य तो कर्म की गति के साथ सुंदर से सुंदरता तथा सुंदरता से सुंदरतम होता जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझकर इनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले है मन भर आना, जिसका अर्थ है भावुक होना। जब मेरी बेटी विवाह पश्चात अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हुई तो सहज ही मेरा मन भर आया। नेक्स्ट मुहावरा है फूट फूट कर रोना, जिसका अर्थ है बहुत ज़्यादा रोना। वाक्य बनेगा, अपने पति की अकाल मृत्यु पर उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। नेक्स्ट है आँखें डबडबा आना, जिसका अर्थ है आँखों में आंसू आ जाना। इसका वाक्य बनेगा, उस भिखारी की दुर्दशा देखकर सहज ही मेरी आँखें डबडबा आई। नेक्स्ट दम घुटना, जिसका अर्थ है उकता जाना। इस छोटे से कमरे में तो मेरा दम घुटने लगा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त स्थान पर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले पिता जट पूछते, क्या बात है मेरी रानी बिटिया उदास क्यों है? तो इसका विश्राम चिन्ह लगेगा, पिता जट पूछते, इधर कोमा आ जाएगा, फिर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होगा, क्या बात है, फिर से कोमा आ जाएगा, क्योंकि बात जो उन्होंने पूछनी थी वो कंप्लीट हो गई। क्या बात है, आगे वो पूछते हैं मेरी रानी बिटिया उदास क्यों है? तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जो हमने इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट किया था क्या बात से, वो इधर हम बंद कर देंगे। नेक्स्ट है पिताजी सिर पर हाथ फेरते हुए कहते, शायद मैं तुम्हें माँ का पूरा प्यार नहीं दे पाया। तो इसका क्या आएगा, पिताजी सिर पर हाथ फेरते हुए कहते, कोमा आ जाएगा, साथ ही इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो जाएगा, उसके अंदर आएगा, शायद मैं तुम्हें माँ का पूरा प्यार नहीं दे पाया। इधर सेंटेंस ख़त्म हुआ और इन्वर्टेड कोमे बंद हो जाएगा, जो मैं लगाना भूल गई हूँ लेकिन आप ज़रूर लगाना, ठीक है। नेक्स्ट है वह उमंग से बल कहने लगी, सत पिताजी आप ठीक कहते हैं। इसका वह उमंग से बर कहने लगी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, सच पिताजी फिर कोमा, आप ठीक कहते हैं, इसके साथ हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है तो इन्वर्टेड कोमा बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला है, बर्तन साफ करके नीरू ने रसोई नू धोया अते सा कट्टन विच मगन हो गई। इसका बनेगा, बर्तन साफ करके नीरू ने रसोई को धोया
और साग काटने में मगन हो गई। नेक्स्ट, सभापति ने फैसला सुनाया तब सब हैरान हो गए। इसका हिंदी अनुवाद है, सभापति ने निर्णय, फैसले को हिंदी में बोलते हैं, निर्णय सुनाया तो सभी हैरान हो गए। नेक्स्ट है, भगवान ने यह दो हाथ कर्म करन लई बनाए हन। इसका है, भगवान ने ये दो हाथ कर्म करने के लिए बनाए हैं। तो ये था हमारा कहानी दो हाथ, जिसका हमने सार किया, अभ्यास किया। आशा करती हूँ कि इस कहानी से आपने भी ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करो और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।